YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एक नए सब्जेक्ट, नए विषय के ऊपर बात करना चाहूंगा। वो विषय क्या है कि इंडोर सैफ्रॉन कल्टीवेशन के थ्रू क्या केसर का बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इससे प्रॉफिट घर में आएगा या नहीं आएगा, रिटर्न कितना आएगा, कब आएगा, इस विषय पर मैं काफी विस्तार में आज बात करना चाहूंगा। हालांकि इस टॉपिक पर मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं, तो मैं इसको दोबारा से नए तरीके से लेने जा रहा हूं। तो प्रश्न ये बहुत ही अहम है और हर किसी को इसका जवाब चाहिए होता है। तो पहली बात, जैसे मैंने पहले ही अपने वीडियोस में बताया था, जो केसर का बिजनेस है, अगर इंडोर सैफ्रॉन कल्टीवेशन की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। लॉन्ग टर्म से मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं समझाना चाहूंगा कि अगर हम केसर का बिजनेस में एंटर करते हैं तो पहले और दूसरे साल हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमारे पास हम लखपति हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि जो केसर का सेल प्राइस है वो बहुत ही अच्छा है, लाखों रुपया केजी बिकता है। जो होलसेल प्राइस है वो 3.25 लाख पर केजी से शुरुआत होती है। रिटेल की बात करें तो 4 लाख से लेकर 4.5 लाख और इससे भी ज्यादा हम पर केजी ले सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट करना चाहें तो एक्सपोर्ट में हमें बहुत बड़ी मार्केट है और उसमें एक्सपोर्ट प्राइस 6 लाख से शुरू होता है, जो 8, 8.5, 9 लाख तक जाता है, बेचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन साथ में एक और भी सच्चाई है। वो सच्चाई क्या है कि ये जो केसर के फूल है उसमें से जो केसर निकलता है वो बहुत बहुत कम मात्रा में निकलता। अगर हम 100 स्क्वायर फीट के कमरे की बात करें जिसमें करीब 350 किलो सीड डाला जा सकता है और जिसका प्राइस खरीद जो बाइंग प्राइस है करीब करीब 2.5 लाख रुपया पर केजी के, 2.5 लाख टोटल कॉस्ट पड़ेगी करीब 350 केजी सीड के लिए। लेकिन उसमें से जो केसर निकलेगा वो सिर्फ 400 ग्राम ही निकलेगा। तो 400 ग्राम केसर आप लाख, सवा लाख, 1.5 लाख का बेच सकते हो, इससे ज्यादा संभव नहीं होगा। तो पहले साल तो उसमें आपकी सीड की कीमत भी नहीं निकलेगी, लेकिन धीरे धीरे दूसरे तीसरे साल जैसे जैसे आपके सीड मल्टीप्लाई होते जाते हैं और आपकी सीड खरीद के ऊपर कश्मीर पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, वहां से ये प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस में पहुंचने में तीसरा या चौथा साल लगता है, पहली बात तो ये है। और दूसरा, ये जो तीसरे साल भी के जैसे हर बिजनेस के लिए होता है, तो केसर के बिजनेस में भी सच्चाई है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहां भी अप्लाई होती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कहने का क्या मतलब है, बिजनेस जितना बड़ा होता है प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट उतनी कम होती है और प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, तो यहां पर भी अप्लाई होता। तो ये जो 100 स्क्वायर फीट के कमरे की अगर बात करें तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, ये अपने आप में लैब होती है जो आपके लिए सीखने के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा आपको रिटर्न देने वाला नहीं है। अगर आप इसको सचमुच में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हो तो आपको तीसरे चौथे साल बड़े स्केल के ऊपर स्विच ओवर करना पड़ेगा। तो बड़े स्केल से क्या मतलब है, आप 500-600 स्क्वायर फीट के कमरे में से लेकर 1000-1200 स्क्वायर फीट के कमरे तक अगर जाए तो ये बड़े साइजेस जो है ये रियल में गुड बिजनेस कहलाते हैं। तो इन चीजों में दिमाग में रखते हुए फैसला करना चाहिए कि आपको ये बिजनेस करना है या नहीं करना। दूसरा, कई मेरे को फोन करते हैं, कई लेडीज भी फोन करती हैं, वो ये बोलती हैं कि मेरे पास अपना पैसा तो नहीं है, मैं बैंक से लोन लेकर इस बिजनेस को करना चाहती हूं। उनके लिए भी मेरी एक एडवाइस है, एक सलाह है कि ये जो लोन के ऊपर डिपेंडेंट है तो उनके लिए ये बिजनेस ठीक नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोन लेकर आपके पहले 2 साल तो लोन की जो किश्त है ईएमआई वो भी नहीं निकलेगी। कहीं ऐसा ना हो आप लोन ले लो और बैंक वाले तो अगले ही महीने से आपकी ईएमआई शुरू कर देंगे, और अगर आप ईएमआई नहीं दे पाए तो बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो। तो ये जो लोन पर डिपेंडेंट है उनको भी ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। हाँ, जिनका पहले से बहुत बड़ा बिजनेस है और बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग है, जो इसको साइड बिजनेस की तरह करना शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, इतना मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये इंडोर सैफ्रॉन कल्टीवेशन है, दिस इज द फ्यूचर ऑफ न्यू इंडिया। आने वाले समय में ये काफी लार्ज स्केल पर निकल कर आने वाला है, क्योंकि इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। जो कश्मीर में जो प्रोड्यूस लगातार घट रहा है उसका यही एक सॉल्यूशन है, इंडोर सैफ्रॉन कल्टीवेशन। वैसे बहुत ही अच्छा साफ सुथरा काम है, स्टेटस का काम है,
नॉइजलेस है, पोल्यूशन फ्री है, घर के अंदर भी कर सकते हो और घर की लेडीज भी इसको बड़े आराम से मैनेज कर सकती हैं। तो ये इसके एडवांटेज है, बेनिफिट है। ये सब कुछ दिमाग में रखते हुए फैसला आप लीजिए कि आपको ये करना है या नहीं करना। लेकिन जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि ये बिजनेस हम करना चाहते हैं, हमारे को ये सूट करता है, तो हम आपके लिए पूरा हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे, आपको सिखाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के बाद हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। आपका प्रोजेक्ट पहले एक साल तक हमारी क्लोज गाइडेंस में होगा, उसके बाद भी हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। लाइफ लॉन्ग सपोर्ट हम देते हैं, वो हमारी बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है, ताकत है हमारी। वी एंजॉय गिविंग सपोर्ट टू अवर कैंडिडेट्स। तो ये सब माइंड में रख के आप डिसाइड आप करिए। अगर आप डिसाइड कर सकते हो तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।